बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, माँ बाप को हमेशा उनकी फिक्र रहती है। जन्म के बाद बच्चे के स्कूल, कॉलेज, जॉब, शादी, बच्चों तक के भविष्य की चिंता माँ बाप को सताती रहती है। ऐसे में उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए माँ बाप हर संभव प्रयास करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बड़ी सेविंग्स करके रखें। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई NPS वात्सल्य योजना, जिसका शुभारंभ बुधवार 18 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया, बच्चों के लिए दीर्घकालिक धनराशि इकट्ठा करने के उद्देश्य से एक बेहतर विकल्प है। इस योजना में माता पिता अपने बच्चों के नाम पर निवेश कर सकते हैं। इसमें विभिन्न निवेश विकल्प उपलब्ध हैं और आंशिक निकासी की सुविधा भी है। NPS वात्सल्य योजना नाबालिग बच्चों के भविष्य को सेव करने के लिए तैयार की गई है। इसके तहत माता पिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए खाता खोल सकते हैं। बच्चे के 18 साल के होने पर NPS वात्सल्य को रेगुलर NPS में बदल दिया जाएगा। बाद में बच्चों का NPS अकाउंट एक फंड में बदल जाएगा, जो बच्चों के लिए एक तरह की सिक्योरिटी है। NPS वात्सल्य योजना के तहत अकाउंट बच्चों के माता पिता के द्वारा खोले जाएंगे। इसमें सभी माता पिता, अभिभावक, चाहे वो इंडियन हो या NRI, 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चे इस योजना के पात्र होंगे। NPS वात्सल्य योजना का खाता खोलने के लिए सरकार ने ENPS पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर कई बड़े बैंक और डाकघर के जरिए अकाउंट खोल सकते हैं। सबसे पहले अभिभावकों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, साथ ही अकाउंट खोलते हुए KYC भी जमा करना होगा। इस स्कीम को प्रीफ्रेडा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। NPS वात्सल्य योजना के तहत बच्चे का नाबालिग पेंशन अकाउंट तब तक चलेगा जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, उसके बाद पैसे को निकाला जा सकता है। कुल जमा रकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो 20% पैसे ही निकाल सकते हैं, बाकी 80% रकम से NUT खरीदनी पड़ेगी। यदि कुल रकम 2.5 लाख से कम है तो पूरा पैसा निकाल सकते हैं। NUT एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है। इसमें शख्स और बीमा कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें व्यक्ति को एक साथ निवेश करना होता है। भविष्य में व्यक्ति को इसके बदले हर महीने भुगतान किया जाता है। इसे एक तरह से रिटायरमेंट प्लान भी कहा जाता है। जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है, उसे इनकम मिलती रहती है। वहीं शख्स की डेथ होने के बाद व्यक्ति के नॉमिनी को पैसे दिए जाते हैं। नाबालिग पेंशन अकाउंट खुलने के 3 साल बाद ही पैसे निकाल सकते हैं। बच्चे के लिए खुले इस खाते में जमा पैसे का सिर्फ 25% ही निकाल सकते हैं। नाबालिग बच्चे के 18 साल होने तक सिर्फ 3 बार ही अकाउंट से कुछ पैसे निकाले जा सकते हैं। खाते से पैसे बीमारी के इलाज और एजुकेशन समेत कुछ केस में ही निकाल सकते हैं।